राजधानी पटना में बंटी और बबली का गिरोह सक्रिय है। बंटी और बबली की ही तरह एक दंपत्ति ने लाखों की चोरी की है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता एस के मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरी बात बताई। अधिवक्ता ने एक डेवलपर चलाने वाले दंपत्ति पर अपना फ्लैट हड़पने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पुलिस पर दंपत्ति को मदद का आरोप भी लगाया। अधिवक्ता की माने तो उन्होंने गोला रोड स्थित अपने फ्लैट दंपत्ति को बेचकर डेवलपर ने उन्हें 5,51,000 रुपये दिए और सिर्फ 50,00,000 का उन्हें चेक दे दिया। जब वे चेक कैश करवाने गए तो डेवलपर ने रुकवा दिया। अधिवक्ता ने कोर्ट में केस कर दिया और कहा कि डेवलपर के खिलाफ गिरफ्तारी और कुर्की वारंट निकला हुआ है, बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्लॉट बेचता है, किस नाम से कंपनी उसकी? यूथ होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो डिफॉल्टर हो चुकी है। रेरा ने उसको फ्रीज कर दिया है, उसके ब्रांड को भी बंद कर दिया है, अकाउंट भी उसका फ्रीज कर दिया है। अब उसने एक नई कंपनी डाली यूथ होम्स, और यूथ होम्स की जानकारी पुलिस को भी है और डीएम को भी है, क्योंकि पंजीकरण उनके आदेश से ही होता है। वो अब यूथ होम में वो चीटिंग कर रहा है। फिर एक नया कंपनी बना लिया उसने चाइल्ड होम्स करके, बच्चों के लिए, नर्सिंग के लिए, जहाँ 5-6 लड़कियों को मिसयूज करता है वो फ्लैट में, और ये पुलिस की जानकारी में है, क्योंकि पुलिस जब रेड करने गई थी तो वहाँ लड़कियाँ मिली थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। अब थाना इंचार्ज जो है दानापुर के, हमने उनके खिलाफ में डीजी को लिखा था कि उनकी जाँच कराई जाए, उनकी संदिग्ध भूमिका है, और जाँच करा के उस पर कार्रवाई की जाए। तो अब सवाल है कि जो अभी नए डीजीपी साहब आए हैं, पहले वाले तो कुछ नहीं कर पाए, नए डीजीपी साहब आए हैं वो भी उम्मीद कम है कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इन लोग का मिली भगत से ही सब कुछ होता है। इस पर कुछ 2-3 छोट भैया नेता भी साथ में लगे हुए हैं, जो उन लोगों को बुस्तक करते रहते हैं, उन लोग का अपना कमीशन जाता रहता है, और ये गृह सचिव से लेके तमाम लोगों को दिया गया है पिटीशन इसमें, ताकि वो लोग इस पर कोई कार्रवाई कर सकें। लेकिन ये लोग देखिए, ये पिटीशन है जिसको बाईपोस्ट भेजा गया है, बाईपोस्ट भेजा गया है, और ये भेजा गया है गृह सचिव को भी। क्या लिखा है इसमें? ये लिखा गया है कि माननीय न्यायिक दंडाधिकारी सुमन कांत झा के ने शिकायत वार्ड संख्या 10-7-37-22 अभियुक्त ऋषभ सिन्हा एवं सुमन कुमारी के विरुद्ध धारा 420-138 एनएक्ट के अंतर्गत संज्ञान लिया। संज्ञानोपरांत दिनांक 1/11/22 को वारंट जारी किया गया, दानापुर थाना को प्रेषित किया गया। इस पर थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की वारंट पर। पूरा दिनांक 15/11/22 को मेमो संख्या 171 के माध्यम NBW निर्गत किया गया। पुलिस उप निरीक्षक से विनोद कुमार को हस्तगत किया गया, परंतु 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैनुअल भेजा गया था, दस्ती SI को दिया गया था कि आप भेजा गया दीजिएगा वहाँ, कभी भी कार्रवाई नहीं किया गया। अब बताइए आम आदमी कैसे पुलिस तक पहुँच सकता है? DSD न्यूज़ के लिए पटना से संजय कुमार मुनचुन की रिपोर्ट।